आइए कैसे श्री रामचंद्र जी जनकपुर आते हैं और मिथिला की नारियां गाते हैं। अरे आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, अचारु दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारु दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारु दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारु दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। जी की छवि कैसे हो सकती है? आजकल हम लोग तरह तरह के फैशन करते हैं, फिर भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम अच्छा लग रहे हैं कि नहीं। ऊपर से जब सेल्फी लेते हैं तो फिल्टर डालते हैं। कोई सन्यासी इतना प्यारा इतना सुंदर कैसे हो सकता है? सीसमणि मोरिया कुंडा ने सोभी सुमणि मोरिया कुंडा ने सोभी कहनावा, कारी कारी कजर हरे जुलू में नयनावा, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, चारु दुल्हा में बड़े जाता है कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने तप किया था, तब जाकर के श्री रामचंद्र जी जनकपुर में आए और माता सीता से उनकी शादी हुई। जिकरा लागी जोगी मुनि जब तप कइले, से मोर पाहुन बन के मिथिला जकरा लागी जोगी मुनि जब तप कइले, से मोर मिथिला में पाहुन बन के अइले, आज लोढ़े से सिकाई इनके काल सखिया, रुकिएगा जरा। लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, जो बर को परीक्षा जाता है, परीक्षण होता है, शादी लगता है हो गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी और इस चीज को एक्सपीरियंस किया है उन्होंने। सास होती है वो तो बड़े प्यार से परिचती है, लेकिन अगर सरहज मिल गई, साली बड़ी मिल गई,
सो समझिए कस के यहाँ पे लगता भी है कि आजू और लोढ़े से बहुत आभार और इतना